हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है गडरिया और भेड़िया की हिंदी कहानी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एक गांव में एक भेड़ चराने वाला लड़का था। वह रोज़ भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन उसे मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों ने उस लड़के की आवाज़ सुनी। जब वे सभी उस लड़के के पास पहुँचे तो उन्हें कहीं भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। लड़का हंसने लगा और बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, कोई भेड़िया नहीं आया, जाओ आप लोग अपना काम करो। लोगों ने उस लड़के को खूब डांटा। उसके बाद लड़के ने कई बार इस तरह का मजाक किया और लोगों को परेशान किया। कुछ दिन बाद एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और जब लड़का चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया, पर इस बार लोगों ने सोचा कि लड़का झूठ बोल रहा है, उस लड़के की मदद करने के लिए कोई भी नहीं गया। भेड़िए ने उस लड़के पर और उसकी भेड़ों पर वार किया और उनको बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। तब लड़के को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सोचा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी। शिक्षा: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।